तो आपके पति भी शराब पीते हैं? ओ सबके पति पीते, सबके पति पीते हैं शराब? बिल्कुल ही मत पूछो, सभी के यहाँ का पीते हैं भाई, सभी के यहाँ। तो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ शराब बंद हो जाए? हाँ, यहीं नहीं पूरा छत्तीसगढ़ से बंद हो जाए। मोदी जी कैसे लगते हैं आप लोगों को? बहुत सारे समस्या हल हुई। मैंने मोदी जी का नाम लिया लोगों के चेहरे की चेहरे। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी भट्ट है। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ जिला बालोद में। इस समय छत्तीसगढ़ की कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं हमारे साथ, जो यहाँ की हकीकत को जानती हैं, यहाँ रह रही हैं, यहाँ की समस्याओं से प्रतिदिन जूझ रही हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या समस्या है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सारी पार्टियाँ सक्रिय हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, चुनावी माहौल गर्म हो जाता है और हर किसी की नज़र होती है कि बस ये वोट हमें मिल जाए, इनका कीमती वोट हमें मिल जाए। और हम यहाँ ये जानने आए हैं कि इनका जो कीमती वोट है, ये किन मुद्दों को देकर, अपने उन वोटों को देकर सरकार बनाते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा नाम है। सुमित्रा? अरे वाह। तो सुमित्रा जी, यहाँ की समस्या क्या है वैसे? नाली बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए और नाली डहर जाना चाहिए। बनत नहीं बना? नहीं बना है, नाली नहीं बने है। तो इधर है ना, तो इधर से इधर जाना चाहिए ना, पानी का ढाल इधर आता है ना, तो कहाँ से पानी पूरा नाली में मार जाता है। और डामरीकरण होए के बाद नाली जाही तो वही पानी जाही बड़े नाली में। कि मतलब हम भी थोड़ा सा समझाएं, तो ये जो ये नाली है, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये बना नहीं है। तो इन लोगों ने क्या है, इसका एक सब्स्टिट्यूट बना रखा है कि टब लगा रखे हैं अपने घरों के आगे। क्यों ये नाली का पानी ये सारा कहाँ जाता है फिर? गली में बहाते हैं। जब सरकार बनी तो उनने वादे किए होंगे कि हम ये करेंगे। कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ अभी तक। यहाँ का तो पानी के लिए बहुत ज्यादा समस्या है। और सबसे बड़ी बात, ये वायर है ना, वो का कहते मकान मन में बहुत ज्यादा टेक थे, सीपे जाते थे, करंट आ जाते, कभी कभी बरसात दिन में बहुत ज्यादा परेशानी होती। तो जो यहाँ का विधायक होगा वो एक बार भी यहाँ नहीं आया? आप लोग नहीं आए मैडम, नहीं आए। और जब चुनाव से पहले आए थे? चुनाव से पहले आपने क्या वोट मांगे पर आए रही से? ओकर बात तो देखे फिर नहीं आए, मोहल्ला में का हुआ थे, का नहीं हुआ थे, का समस्या है पूछे पर आतीस नहीं। गांव के नेता बने हैं बेटे, मतलब गांव के सब हमार बदलाव कर ही कहके बनाए गए है, लेकिन देखे तक ला नहीं आए। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है शराब, ड्रग्स। तो आपको लगता है कि ये है, ऐसे वाकई है शराब? मतलब हर जगह शराब मिल रही है। और जब भूपेश बघेल बने थे या यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी, तो आप लोगों ने क्या सोच कर उनको वोट दिया था कि बदलाव, कुछ बदलाव कर ही, कुछ अच्छा कर ही, विधायक है गांव के तो अच्छा कर ही हमारे लिए। ये तो पलट के देखी भी नहीं ना, यहाँ तो उनका मकान में भी जाते हो तो कौन है कहाँ है लेके जाते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलते, यहाँ पर नहीं है, घर पर नहीं है, बाहर गए है, ऐसे करके बात नहीं करते हम लोगों के से। नहीं होता कुछ? नहीं मैडम, कुछ नहीं होता। शराब मतलब क्या है, यहाँ हर दिन शराबी इतने बनते जा रहे हैं, इसमें किसकी विफलता है, किसकी गलती है? सबकी गलती है, विधायक की गलती, जो हमारे गांव में बंद नहीं करा सकी तक आकर गलती, पब्लिक के थोड़ी ना गलती, विधायक की गलती है। तो आप लोग के पति वगैरह या घर में कोई होगा तो वो पीते, तो आप लोग रोकते नहीं है क्या? नहीं रोकते हैं, भट्टी बंद नहीं हुई तब तक रुकी कहाँ मैडम, हजारों भी बंद कर ना, जब तक भट्टी बंद नहीं था। लेकिन चुनाव के बाद ना यहाँ और एक दूसरा भट्टी चालू हो गया है, चुनाव से पहले एक भट्टी था, अब यहाँ दूसरा भट्टी और हो गया है, इंग्लिश का चालू हो गया है। अच्छा, मतलब अब अंग्रेजी शराब भी बिक रही है? जी जी, मतलब जो रही बची कसर थी वो अब अंग्रेजी सरकार हो गई है। जी, तो ये जो महिलाएं हैं इनकी बहुत शिकायत है कि यहाँ पर जो है शराब की बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आपके हिसाब से जो यहाँ पर एक किसानी बहुत होती है, तो जो किसानी जो भी आप लोग बोते हैं उसकी लागत मिलती है अच्छे से? नहीं नहीं, नहीं मिलती है। तो जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो आप लोगों ने सरकार तक कभी पहुँचाने की कोशिश नहीं करी? सरकार तो बात ही नहीं सुनते ना हमारे, उनके घर पे जाते हैं ना तो कौन हो, मेरे को वोट दिए हो नहीं दिए हो करके मतलब दुर्व्यवहार करते हैं। अच्छा, आप कौन है, मेरे को वोट दिए हो कि नहीं दिए हो करके ऐसे बात करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग। ये बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये स्कूल सरकारी स्कूल है यहाँ पर? अच्छे सरकारी स्कूल ही से बॉयस मन के सरकारी स्कूल से आत्मानंद प्राइवेट स्कूल बना दे। अभी ना बहुत से बच्चा मना नहीं पढ़े बन नहीं जाते,
कि इतना इतना नंबर परसेंट लात ना ते बच्चा मन लेवा थे बाकी बच्चा मन नहीं लेवा थे भी जो बॉयज स्कूल रीस ना उसे आत्मानंद स्कूल बनाकर सब बर्बाद जो सरकारी स्कूल था उसको प्राइवेट कर दिया है क्या कर दिए तो यहाँ सरकारी स्कूल बच्चा ही नहीं है बच्चा ही नहीं है तो आप लोग मतलब अपनी जेब से पैसा दे के बच्चों को पढ़ाते हैं सरकार की तरफ से इसमें कोई लाभ नहीं है नहीं है तो आप स्कूल में पढ़ती हैं कॉलेज में हो कौन से कॉलेज में हो गवर्नमेंट कॉलेज अर्जुंदा कहाँ पर यहीं पे यहीं पे हाँ तो कैसे जाते हो साइकिल से हाँ तो कॉलेज में पढ़ाई अच्छी है हाँ बट टीचर नियमित नहीं आते कभी आते हैं कभी नहीं आते तो ये टीचर का भी करना चाहिए कि रोज आए और जैसे कि हम मैथ्स फील्ड की हूँ तो मैथ्स में दो तीन सब्जेक्ट है मैथ्स का तीन भाग है तो एक ही टीचर है तीनों पढ़ाता है टाइम नहीं मिलता एक दिन में एक ही होता है तो टीचर भी आना चाहिए यहाँ तो आज आपकी स्कूल की छुट्टी कॉलेज की छुट्टी है इसकी अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है स्टार्ट नहीं हुआ है अभी हाँ मतलब कौन सा ईयर चल रहा है आपका अभी फर्स्ट ईयर में हूँ मैं कौन सा कोर्स कर रहे हो मैथ्स बीएससी बीएससी कर रहे हाँ तो अभी तो फिर आपने जब अभी कॉलेज ही नहीं गए तो आपको कैसे पता कि टीचर नहीं फर्स्ट ईयर हो गया है मतलब सेकंड ईयर में अच्छा ओके ओके तो अभी तक मतलब टीचर्स की कमी रहती हाँ और ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है टीचर का तो वो भी नहीं करना चाहिए ट्रांसफर हो भी रहा है तो एक टीचर एक्स्ट्रा रहना चाहिए तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको अपनी जेब से कोई पैसा देते हैं नहीं, कि नहीं। कुछ आपको लाभ मिलता है कि जैसे बच्चों को पढ़ाने किताबें या कुछ आपको हाँ या लाइब्रेरी है वहाँ से मिल जाता है बुक अच्छा मिलती है हाँ आपके घर में या तो आप तो अभी यूथ हो तो आप देखते होंगे इन महिलाओं की सारी समस्याओं को भी सुनते होंगे क्या लगता है कि क्या यहाँ की समस्या क्या है सबसे ज्यादा तो पानी की है यहाँ तीन चार महीने हो गया और नल में पानी ही नहीं आता तो फिर पानी कहाँ से लाते हो टंकर से इन लोग पार्षद जी हैं वो बुलाते हैं और कोई कोई और बोलते हैं अच्छा और यहाँ के विधायक को कोई मतलब नहीं आप लोगों से कोई नहीं वो तो हेल्प ही नहीं करता ज्यादा अच्छा आते ही नहीं है नहीं चुनाव टाइम बस आए हैं अच्छा तो अभी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आप वोट देती हैं वैसे अभी फर्स्ट टाइम दूंगी फर्स्ट टाइम तो आपका मत तो बहुत महत्वपूर्ण है किसको देने वाली हैं अब सोचेंगे अब कौन अच्छा है अब तो अभी तक तो पता ही चल रहा होगा कौन अच्छा है हाँ। बदलाव चाहती हैं हाँ चाहती हैं बदलाव हाँ। मतलब आप लोग अगर ये एक आपको ऑप्शन दिया जाए तो चाहेंगे कि बीजेपी आए हाँ जरूर जरूर चाहेंगे बिल्कुल क्यों बीजेपी के आने से क्या सही हो जाएगा जो कांग्रेस नहीं कर पाई आही बीजेपी है तो ये साफ सफाई करवाही पानी की व्यवस्था अच्छा ठीक से करवाही नल वल साफ करवाही हाँ ये करेंट आते दीवाल मन देखना हर दीवाल मन में वायर मन हर टेके टेके है भी बरसात के दिन में बहुत ज्यादा करेंट आते दीवाल मन में घर मन में बीजेपी आना यहाँ के लिए बेहतर है अब पता नहीं बेहतर बना ही कि नहीं बना ही थे लेकिन देखेंगे सोचेंगे है अपने तरफ से तो बीजेपी है अच्छा। और बाकी का तो नहीं ले सकते तो आप ही की तरफ से तो जानना चाहते हैं आप ही के तो मुद्दे हैं ये समस्या तो आप ही जूझ रहे हैं बीजेपी आएंगे भाई बीजेपी आएंगे हाँ। क्यों आएगी बीजेपी क्योंकि बीजेपी हमको सुविधा दे रहे हैं तो इससे पहले बीजेपी ने सुविधा दी थी हाँ? तो फिर कांग्रेस को वोट कहीं दिया अरे गाँव का था ना जो विधायक है तो चल एक बार दिखा देते हैं घर गांव का है करके इसलिए दिए थे हम लोग कांग्रेस का क्या सोच के दिया था इन विधायक को वोट की क्योंकि ये गरीब का है और घर गांव का है इसलिए साथ दिया गा करके फिर नहीं दिया गांव का बेटा है गरीब है तो सोचा साथ दें लेकिन साथ निभा नहीं पाए नहीं निभा पाए साथ मोदी जी कैसे लगते हैं आप लोगों को है बहुत सारे समस्या हल हुई से मैंने मोदी जी का नाम लिया लोगों के चेहरे की चेहरे घरों घर सेप्टिक बनाई रुके 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 आप बताइए मोदी जी कैसे लगते बहुत अच्छे लगते हैं मोदी क्या करा मोदी जी ने ऐसा घरों घर मतलब हर हर महिला मन के लिए समस्या के लिए घरों घर गैस दी से भी घर में सेप्टिक बनाई से बे पानी भी क्या कहते हैं करी से बे और आवाज ये अभी तो आप कह रहे तो कुछ नहीं आप कह रहे हैं ये क्या है कैसे कुछ नहीं है मतलब आपने बोला ना कि घर बनाया उन्होंने पानी दिया है सुविधा वो बीजेपी करे है ना कांग्रेस थोड़ी ना करे कांग्रेस तो नहीं करे बीजेपी के लिए बोल रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है अच्छा तो मतलब बीजेपी करेगी हाँ। और मोदी जी करेंगे 2024 में जो है वो प्रधानमंत्री के चुनाव भी होने वाले हैं तो क्या प्रधानमंत्री किसको देखेंगे राहुल गांधी को कि प्रधानमंत्री मोदी को हम मोदी को देखेंगे मोदी को हाँ क्यों वो सब चीज हल करे मोदी जी को देखना चाहते हैं जी मैडम मोदी जी को आपने कभी देखा है टीवी वगैरह में या सामने रैली में हाँ हाँ देखे मैडम कैसे लगते हैं अच्छे हैं बहुत अच्छे क्या काम वगैरह कुछ करते होंगे जब आपको पता चलता होगा उनके भाषण सुनते होंगे आप
भाषण वाषण नहीं सुना लेकिन बहुत समस्या हल करे है मोदी है। मतलब मोदी जी के आने से हुआ है काम? हुआ है, हुआ देश बढ़ रहा है हमारा। हाँ बढ़ रहा है। छानी दी तेल बने पक्की पक्की घर करी सब केला सबके समस्या हल करी से आधा खर्चा मोदी दे दे आधा में का कहते मतलब काम वाम नहीं चला थे करके हर के हर कोई के खाता में पैसा भी डाली से भी। मोदी जी ने कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी को देखना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव के लिए अभी थोड़े से समस्या बहुत है, हताश हैं कि गांव के बेटे को वोट दिया था लेकिन गांव के बेटे ने कुछ करके नहीं दिखाया। यहां पर आप बताएं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या करते हैं आपके पति? इस खाद्य गोदाम में जाते हैं। और आप भी कुछ करती हैं? नहीं। अच्छा तो मतलब सही पैसे मिल जाते हैं? बनी मिलते था जाता अब नहीं मिली तो घर में रहता नहीं। हाँ कुछ अतना दिन तीन साल हो गए समिति बना है, अतना दिन हो गए तब भी समझ कुछ भी काम तो देना चाहिए सरकार की तरफ से। हाँ तो मतलब क्या जिस दिन काम होता है उसी दिन जाते हैं बस? हाँ हम लोग तीन साल मतलब होते आ गए लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं मिला हमको। मतलब सरकार ने तो वादा किया था कि समूह वालों को पूरा रोजगार दिया जाएगा, कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। अच्छा एक बार विधायक कर फॉर्म दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम काम दो करके लेकिन जवाबे नहीं दी से कुछ भी। एक साल से ज्यादा हो गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो आपके पति भी शराब पीते हैं? सबके पति सबके पति पीते हैं शराब? बिल्कुल ही मत पूछो, सभी के यहाँ का पीते हैं भाई, सभी के यहाँ। तो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ शराब बंद हो जाए? हाँ यही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ से बंद हो जाए, यानी कि ऐसी है। मतलब छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़ी समस्या हमने देखी कि शराब बंदी के पीछे हर एक औरत है। यहाँ सुबह या शाम हो या रात आपको एक मतलब आपको अमूमन 10 में से 5 आदमी शराब पिए तो जरूर मिल जाएंगे, सच है कि नहीं है? नहीं 9 होंगे, 1 से 9% कम होगा। अच्छा तो ये इतनी क्या बहुत सस्ती मिल रही है क्या दारू? सस्ता मिला तभी तो पिया था मैडम, सरकार सस्ता कर दी तभी तो अभी छोटे छोटे बच्चे भी पीना चालू कर दिए। तो ये शराब जो है गवर्नमेंट इतना सस्ता कर रही है इसको क्या फायदा हो रहा है? फायदा लोगों को दारू पिला के गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है तभी तो नहीं। आपको क्या लगता है फायदा हो रहा है तभी तो बेच रहे हैं ना? यहाँ पर जितने भी ये पूरा गांव है सब लोग दारू पी के सो आता है, यहाँ हल्ला मचाते होंगे, शोर मचाते जी होगा। जी तो यहाँ तो काम तो होता ही नहीं, हो ही नहीं पाता होगा, नहीं हो पाता, बहुत परेशान रहते हैं लेडीज लोग, घर के मर्द लोग तो दारू पीकर सो जाते हैं। यहाँ पर मतलब लेडीज लोगों को ना 6-7 बजते हैं ना फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पास बैठे रहते हैं सब, वही गाली गलौज करते रहते हैं, दारू पी लेते हैं। और एक ये बहुत बड़ी समस्या है जो इन्होंने उजागर करी कि यहाँ पर जो है विमेन सेफ्टी भी बहुत खतरे में है, मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं वो शाम के समय नहीं निकल पाते। इवन मैंने दिन में भी देखा यहाँ पर महिलाएं इतनी अच्छे से रोड पे सड़कों पे नहीं है। आप और राज्यों में जाएंगे जैसे आप यूपी में जाएं उत्तराखंड में जाएं वो भी ग्रामीण क्षेत्र है गाँव का इलाका है लेकिन वहाँ सेफ्टी बहुत है, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थोड़ी कमी है ऐसा है? मतलब लोग दारू पी लेते हैं तो औरतों का घर से निकलना या शाम के समय गली से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, ये सच बात है? हाँ जी गाली गलौज करते रहते हैं शाम को दारू पी लेते हैं और जिसमें लेडीज लोग नहीं निकल पाते वही गंदा गंदा गाली देते हैं। तो अच्छा। इस महिलाओं के लिए सुरक्षित है वैसे छत्तीसगढ़? नहीं। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी नहीं है, बच्चे को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्या पी के इधर उधर घूमते रहते हैं, कौन क्या कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। वहाँ पर नहाते तालाब है छोटे से ना, उसे विधायक आज तक से साफ नहीं करा है भैया, ये साल साफ करे से भी लेकिन ना वहाँ पे पानी पचरी में जाकर सीसी वीसी फेंक दे रहते, एकदम गंदा कर दे रहते, साफ स्वच्छता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का तो यही नारा है कि स्वच्छता हो। माता के तालाब में पानी नहीं है, झुक्खा पड़े है, बनाए नहीं खन ले है। लेकिन अभी तक बना क्यों नहीं है वो? तो मतलब यहाँ पर अगर बीजेपी आती है तो बदलाव आएगा? बदलाव आएगा आप कहिए, हम नहीं कह रहे हैं हमार रक्षा नहीं करे, मेरी माता के करे रक्षा, और तालाब ला ये कर दे ना। ये बहुत गहरी बात बोली कि हमारी रक्षा नहीं कर सकते, कम से कम माता के लिए तो देख लेते। यहाँ शीतला माता मंदिर बता रहे ना, तो पूरा सूखा पड़ा है, छोटा सा बावली खोद देते हैं उसी में ठंडा करते हैं देवी देवता को। अच्छा तो ये आप लोग गांव के निवासी करते हो, आप लोग ही करते हो? हाँ गाँव के सब पार्षद अध्यक्ष सब मिला करते। अच्छा गाँव में मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ज्यादा बोलते ना तब पुलिस कर मरवाते पकड़ा थे। अच्छा हाँ
मतलब अगर सही बात ले बोला थे ना, पुलिस का मरवाते पीटवाते बलाते घर में ऐसे ऐसे बोलते कि के डर बनाया हुआ है। हाँ सही बात है, लगवा दूं बोलते सजा लगवा दूं तो मतलब गुंडागर्दी है। तो लगवाया हमारा पूरा घर को सब सजा। क्या हुआ था वो ये हटरी लग रही थी लॉकडाउन में, तो 12 बजे है ऐसे कही के बोली ते मन 12 बजे उठा का आती तो बला ली सब पुलिस मन सन का हो रही ते मार पीट करके पूरा ले गए पूरे घर को। हाँ पूरा घर। आप भी गए थे? मैं भर नहीं गया, मेरा 2 साल के बच्चा भी गया। ओह